हेलो एवरीवन, आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का एक इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो पर फिर से स्वागत है। बिहार आईसीडीएस की ओर से आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़े लाभार्थी जो पोषण ट्रैकर ऐप में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, उन लाभार्थियों का काफी पहले आधार वेरिफिकेशन हो चुका है। इसके बाद अब जो है पूरे बिहार के अलग अलग जिले के लिए लिस्ट जारी की गई है कि जिले में कितना लाभार्थियों का मोबाइल नंबर वेरीफाइड है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड करना यहां अनिवार्य कर दिया गया है। 5 जुलाई से पहले आपको यह काम 100% कर लेना होगा। इसके संबंध में वेरिफिकेशन कैसे करना है, कौन से जिले में कितना मोबाइल नंबर वेरीफाइड हुआ, इसके बारे में लिस्ट आ चुकी है। चलिए डिटेल में हम आपको पूरी जानकारी देंगे कैसे क्या करना है और अभी स्थिति क्या है। आपको वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर। सभी सेविका, ये पूरे भारत की सेविकाओं के लिए भी सामान्य रूप से रहेगा और बिहार के लिए स्पेशल बिहार राज्य सरकार आईसीडीएस समाज कल्याण विभाग पटना से लेटर जारी किया गया, जिसकी संचिका संख्या 3898 लेटर 28 जून की शाम को जारी किया गया। लेटेस्ट जानकारी है, आईसीडीएस के निदेशक ने बिहार पटना से इस लेटर को पूरे बिहार के डीपीओ, पूरे बिहार के सीडीपीओ को जारी करके विशेष रूप से काम खत्म करने के लिए कहा है। पत्र का विषय यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि पोषण ट्रैकर में मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन सत्यापन के संबंध में जो लाभार्थी पोषण ट्रैकर ऐप में पहले से जुड़े हुए हैं, उन लाभार्थियों का वेरिफिकेशन आप लोगों ने आधार से कर लिया था, लेकिन अब मोबाइल नंबर वेरीफाइड रहना चाहिए। इसके संबंध में ये काम क्यों दिया है, क्योंकि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 25 जून को इसके संबंध में निर्देश दिया गया है। पत्र में लिखा गया, महाशय उपयुक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लाभार्थियों के सत्यापित मोबाइल नंबर पर आंगनवाड़ी केंद्र की सेवाओं तथा THR के वितरण के संबंध में SMS भेजे जाने का प्रावधान भारत सरकार के द्वारा किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, पहले तो आधार वेरिफिकेशन कराया गया आज से 2-3 साल पहले। आधार वेरिफिकेशन से ये मालूम चलता है कि आपके यहाँ जो लाभार्थी जुड़ा है वो वास्तविक लाभार्थी है, लेकिन अब मोबाइल नंबर इसलिए ऐड किया जा रहा है पूरे भारत भर में ताकि लाभार्थी को SMS के माध्यम से सूचना दी जा सके। और ये SMS कहीं ना कहीं सीधे निदेशालय स्तर से आएगा, मुख्यालय से आएगा कि इस दिन आपके केंद्र पर THR वितरण होगा। साथ में उस THR में क्या क्या मिलेगा, कितने बच्चे आपके आधार नंबर से रजिस्टर्ड हैं, ये जानकारी लाभार्थी को सीधे चली जाएगी। इसलिए लिखा गया है कि मोबाइल नंबर पर सेवाओं तथा THR के वितरण के संबंध में SMS भेजे जाने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। फिलहाल प्रावधान किया गया है, जैसे ही अधिकतम लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा, SMS से द्वारा उनको बता दिया जाएगा विभाग द्वारा कि इतना पोषाहार इस तारीख को मिलेगा। राज्य का पोषण ट्रैकर में पंजीकृत लाभार्थी के मोबाइल नंबर का 57% 13% से भी कम है। लिखा गया, अतः निर्देशित किया जाता है कि विशेष अभियान चलाकर दिनांक 5 जुलाई 2024, जी हाँ 5 जुलाई, पिछले आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर जो है इसके पहले तक सभी लाभार्थियों के मोबाइल नंबर पर पोषण ट्रैकर में 100% वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ में लिखा गया कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उन बच्चों के मोबाइल नंबर के सत्यापन के लिए उनके माता पिता या अभिभावक का मोबाइल नंबर का उपयोग किया जा सकता है। लिखा गया है कि पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी के मोबाइल नंबर सत्यापन से सभी संबंधित फ्लो चार्ट सुलभ प्रसंग हेतु संलग्न किया जा रहा है, यानी कि आखिर वेरिफिकेशन कैसे करना है इसका डिटेल यहां पर दिया जा रहा है। कौशल किशोर जी का सिग्नेचर 28 जून का डेट देखने को मिल जा रहा है। चलिए फ्लो चार्ट आपको दिखाते हैं, वो लिस्ट दिखाते हैं जो बिहार के लिए जारी किया गया कि जिले में कितना वेरीफाइड लाभार्थी है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फ्लो चार्ट जो है ICDS के द्वारा ही जारी किया गया है कि किस प्रकार कोई भी सेविका पोषण ट्रैकर ऐप में रजिस्टर्ड लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाइड कर सकती है। तो देखिए क्या प्रोसेस रहने वाला है, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वेरीफाई मोबाइल नंबर कैसे करना है, सबसे पहले आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप खोलना है तो ऐसा ऑप्शन आता है। ऐप खोलने के बाद जो है आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा वेरीफाई मोबाइल, जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो जितने भी लाभार्थी होंगे चाहे वो किसी भी कैटेगरी के होंगे उसका एक लिस्ट बन जाएगा कि कितने लाभार्थी का मोबाइल नंबर वेरीफाइड नहीं है, अनवेरीफाइड मोबाइल नंबर का लिस्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर आपने उनका नंबर पहले से जोड़ रखा है लेकिन OTP के द्वारा वेरीफाई नहीं कर रखा है तो उसका लिस्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको जो है यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा, जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद आपको लाभार्थी का मोबाइल नंबर यहाँ पर शो करेगा कि कौन सा मोबाइल नंबर आपने पहले से भरा हुआ है। रिक्वेस्ट OTP पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है कि आपको लाभार्थी से एक बार OTP पूछ करके उसको इसमें एंटर करना होगा, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वो वेरीफाई हो जाएगा, उसका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो OTP आपको हर हाल में लाभार्थी से पूछना होगा, जितने भी लाभार्थी होंगे बच्चे के लिए, उनके अभिभावक से, गर्भवती धात्री के लिए उनका मोबाइल नंबर से OTP पूछने के बाद ये लाभार्थी जो है आपका वेरीफाइड हो जाएंगे, उसके बाद आपका काम यहाँ पर समाप्त हो जाता है।
काम ज़्यादा नहीं है, उसके बाद ऐसे आपको लिखा आएगा मोबाइल नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड गो टू होम। तो ये इतना ही काम है फिलहाल। देखिए 26 जून 2024 तक बिहार के अलग अलग जिलों में मोबाइल नंबर वेरीफाइड लाभार्थियों की संख्या कितनी है। सबसे टॉप का अगर जिला जिसने सबसे अच्छा काम किया वो है किशनगंज जिला। यहाँ पर जो टोटल वेरीफाइड जो लाभार्थी है 1,50,728, उसमें से 75% लाभार्थियों का मोबाइल नंबर ऑलरेडी वेरीफाइड है, यानी कि काफ़ी अच्छी संख्या, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किशनगंज जिले का है। इस प्रकार यहाँ पर सुपौल, जमुई, समस्तीपुर कितना लाभार्थियों का परसेंटेज जो है मोबाइल नंबर वेरीफाइड है। सबसे नीचे का अगर जिला का हम बात करें सबसे नीचे, तो वो जिला है पटना। देखिए पटना खुद एक बिहार की राजधानी है और बहुत बड़ा प्रशासनिक मुख्यालय भी है, तो पटना में मात्र 3.496 यानी 4% लगभग जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर वेरीफाइड हुआ है। कुल मिलाकर पूरे बिहार का ऑन एवरेज जो है लगभग 13% ही मोबाइल नंबर वेरीफाइड हुआ है। 87% लाभार्थियों को मोबाइल नंबर वेरीफिकेशन बाकी है। तो ये आपको करना होगा, मैंने प्रोसेस बताया, पूरा डिटेल आपको बता दिया। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर आप जरूर करेंगे। फाइनली इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।